साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आदरणीय निदेशक साहब, परम आदरणीय किसान भाई बंधुओं और यहाँ के जो साथीगण हैं, जो हर तरीके से मददगार हैं हमारे सुनने सुनाने की प्रक्रिया में, समझदार बनाने की प्रक्रिया में, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा परिचय है कि मेरा नाम राणा सिंह है और मैं एक किसान हूं जो कि बुंदेलखंड में खेती करते हैं और यहां कानपुर में किसानों के साथ में मैं काम कर रहा हूं। और उस काम में, जैसे अभी बताया गया कि विविधीकरण की एक बात हुई है खेती में, और दूसरा बात हुआ है एक उत्पादक संघ या FPO की जो बात हुई है, जो विषय मुझे दिया गया है, इन दोनों को लेकर के मैं चल रहा हूं। ये तीसरा साल है मेरे लिए, ठीक है। तो काफी कुछ रास्ता मैंने तय कर लिया है, उसी अनुभव को आपके बीच में मैं साझा करूंगा। भैया, मेरा प्रेजेंटेशन आप खोल दीजिएगा तो साथियों को पढ़ने में और उसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो FPO है उसी को हम लोग उत्पादक संगठन बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका संक्षिप्त जो नाम है वो FPO है। तो साथियों, बात आती है कि हमें FPO की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्यों इसका जरूरत पड़ी है, और इसको बना करके कैसे हम मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं तो सब लोग ये देखेंगे कि छोटे छोटी काश्तकारी अब हम लोगों के पास में बची हुई है ना। छोटे छोटे हमारे पास में कम मात्रा में उत्पाद आ रहे हैं, जिनको सही मूल्य में बाजार में भेजने के लिए तमाम तरीके की परेशानियां आती हैं, है ना। एक तो यह है कि दाम अच्छे से नहीं मिल पाता है, दूसरा क्या है कि जिस समय हमारे पास में प्रोडक्शन है उसको हम रोक नहीं पाते हैं, और आगे जाके जब इसके दाम बढ़ते हैं तो उस दाम को हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये जो समस्या है उनके पीछे ये है कि हम एक संगठन के रूप में नहीं है। इसके पहले तमाम संगठन बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी एक और नए संगठन का रूप दिया गया है। शासन प्रशासन इसमें पूरी मदद दे रहा है, उसके पीछे है कि हम लोग एक कंपनी के रूप में आगे बढ़ें, और एक कंपनी अधिनियम में एक बहुत बढ़िया संशोधन करके फार्मर उत्पादक जो संगठन है उसके लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें किसानों के हित में क्या हो सकता है उसको इसमें रखा गया। और व्यापार की दृष्टि से जब किसान आगे बढ़ेंगे तो उनके संगठन को क्या सहूलियत रहेंगी, कहाँ कहाँ से वो मदद ले सकते हैं, इस चीज को रखा गया है। जी भैया, थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है। भारत सरकार इसमें 2011-12 से एक योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। आपका कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय इसमें पूरा मदद कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट, उत्पादक कंपनी क्या है, तो जैसे जो कंपनी अधिनियम है 1956, उसके अंतर्गत पंजीकृत अधिनियम है 2013 में एक संशोधन करके एक उपक्रम इसमें जोड़ा गया, ठीक है, जिससे कि किसानों की आय को उनको एक संगठन करके आगे संगठित करके आगे बढ़ाया जाए, ठीक। नेक्स्ट भैया, ठीक है। अब अगर हमें अपना संगठन बनाना है तो इसमें कितने सदस्य हों, कैसे लोग हैं, उस चीज की भी बात आती है ना, कि भाई अगर एक संगठन की बात करते हैं तो कैसे लोग हो सकते हैं, कहां से हम संगठन की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, इसमें सबसे बढ़िया है कि हमें ये देखना है कि हमारे उस एरिया में किस तरह के व्यापार हैं, किस तरह के व्यापार की संभावना है। अब उसमें हम लोग देखें कि खेती से जुड़े हुए हैं तो खेती से संबंधित किस जींस का पैदावार सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हमारे यहाँ गन्ना हो रहा है तो गन्ना को लेकर के हम अपने बाजार को बढ़ा सकते हैं। आम हो रहा है तो आम का एक क्लस्टर बढ़ा के जो भी फसल हो रही है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला देखना है कि भाई कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सी जींस पैदा हो रही है। दूसरा हमें देखना है कि कितने एरिया में या कितने किसान इसमें जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, यानी इससे मालूम चल जाएगा कि हमारा व्यापार क्या होगा या व्यापार कितने तरीके का होगा। भाई दो तीन चार चीज़ें भी हमारे साथ में हो सकती हैं, गन्ना हो सकता है, धान हो सकता है, या गेहूँ हो सकता है, सब्जियाँ हो सकती, फल हो सकते हैं, ऐसे हम लोग कर लें। फिर दूसरा कितने बड़े एरिया में हो सकता है, इन दोनों चीज़ों से हमें ये निर्धारित हो जाएगा कि हमारा जो कंपनी है या जो हमारा व्यापार है उसको कितने बड़े आकार का रूप हम लोगों को देना है, ठीक है। जब हम उसका एक डायग्राम अपने मन में खींच लेते हैं, अपने साथियों के साथ इसको साझा कर लेते हैं,
तो फिर हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि भाई इसको शुरुआत कैसे करें। तो इसको शुरुआत करने में बहुत ही सुंदर है कि आप 10 या कम से कम 10 उत्पादक मिलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत के लिए काफी कम लोगों का जरूरत है, जो कि एक बहुत ही आसान है। अगला क्या है कि अगर 10 उत्पादक नहीं है तो 2 उत्पादक समूह मिलकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अधिकतम संख्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो 2000, 10000, 5000, जैसे हमारा एरिया बड़ा होगा, जैसे उसके शेयर होल्डर होंगे, वैसा हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम इसके गठन में जाते हैं तो इसमें एक और प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है कि न्यूनतम आप 5 निदेशक यानी 5 डायरेक्टर को लेकर के आप इसका पंजीयन करा सकते हैं। ये है, जब आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो उसमें 1 या 2 से शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम उत्पादक संगठन की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 5 निदेशक चाहिए और अधिकतम इसमें 15 होते हैं। जी दादा, सवाल है कोई? एक मिनट, 2 कैंडिडेट नहीं है, 2 उत्पादक समूह है, ठीक है। 2 उत्पादक समूह यानी एक समूह में, जब किसी भी समूह की हम बात करते हैं तो सरकारी नियम के अनुसार, नाबार्ड की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी हम संगठन बनाएंगे तो मिनिमम 5 लोग चाहिए, उसके ऊपर एक संख्या है कि 20 तक का एक समूह होगा। तो जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में एक 10 की संख्या हो जाएगी। जी जी, ये है उसमें लिखा हुआ, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। अब आगे हम जब बात करते हैं कि जो कंपनी के सदस्य होते हैं, कौन लोग सदस्य बन सकते हैं, उनकी स्थिति क्या क्या होती है कंपनी में, तो आप देखेंगे इस कंपनी के जो सदस्य हैं वही लोग बनेंगे जो उत्पादन की गतिविधि से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम खेती वाला उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादन है, जहां से पहला उत्पादन हो रहा है, तो वो उसके मेंबर होंगे, ठीक है। जिनका उससे सरोकार नहीं है वो इसके मेंबर नहीं होंगे। तो एक अच्छा प्रावधान इसमें यह है कि भाई जो खेती कर रहा है, जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो इन गतिविधियों में है, वो उसका सदस्य रहेगा। अगला इसमें क्या है कि जब आप उसका शेयर खरीदेंगे कंपनी का, तभी आप उसके सदस्य माने जाएंगे, खाली नाम पता लिखने से आप सदस्य नहीं होंगे। जब आप इसमें अपना शेयर लगाएंगे, कंपनी में फायदा होगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका अमूमन इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। कंपनी को सदस्य बनाते हैं, जब सदस्य जुड़ेंगे तब आपकी कंपनी बढ़ेगी, और इस कंपनी को अगर बंद करना है तो सदस्य ही कंपनी को बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रावधान है कि कोई भी ऐसा नियम बना के कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता है जब तक कि सदस्य ना चाहें, ठीक है। और जो सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर होंगे, वो अपनी आम सभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उसमें जो नियम कानून हम लोग बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार और जवाबदेह होकर के उसके अनुसार काम को आगे बढ़ाते हैं। भैया नेक्स्ट कर देना। अब इसके बाद ये बात होती है कि भाई जब हमें एक संगठन बनाना है तो इसमें कितना शेयर पूंजी लगा करके और कितना मिनिमम पैसा चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर हमें अपना कोई भी एक बिजनेस को बनाना है तो उसके लिए एक निर्धारित जो पूंजी है उसमें रखी गई है कि वो 5 लाख रुपए का आपकी जो ऑथराइज कैपिटल है, कि कम से कम 5 लाख रुपए, फिर आप व्यापार को देखते हुए अपनी एक ऑथराइज कैपिटल को फिक्स कर सकते हैं, उसमें नियम में आप दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा अच्छा ये है इसमें कि आपकी जो पेडअप है, यानी बिल्कुल शुरुआत करने के लिए 1 लाख रुपए से आप इस कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छा इसमें ये है, ठीक है। तो 2 तरीके की कैपिटल होती है, जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो समझ में चीजें आ जाएंगी, एक ऑथराइज होती है और एक आपकी पेडअप होती है, और बहुत ही आसान है। 10 लोग अगर मिलकर बना रहे, 10-10 हजार रुपए लगाएंगे तो आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो पंजीयन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उस 1 लाख को कैसे आप व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे, और व्यापार वही होगा जो हमारे आसपास और जिन गतिविधियों से हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट भैया, अब जब मोटा मोटी जानकारी ले लिया है हम लोगों ने, तो अब हमें ये देखना है कि कैसे हम इस चीज को एक संगठित रूप में ले सकते हैं। तो इसकी चर्चा हमने शुरुआत में आपसे कर लिया है कि एक क्लस्टर को हम लोग पहचान लें, यानी एक क्षेत्र को देख लें कि भाई यहाँ पे इस चीज का उत्पादन हो रहा है, टमाटर हो रहा है या आलू हो रहा है, उसमें कितने किसान हमारे साथी हो सकते हैं, उनके बीच में बैठ करके हमें चर्चा करना है कि भाई आज
भाई जो भी आपका आलू खरीद करके व्यापार कर रहा है या गन्ना लेके व्यापार कर रहा है वो किसी ना किसी कंपनी को बना करके आगे बढ़ रहा है ना। तो वो जो कंपनी है किसी दूसरे लोगों की है और उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं यहाँ, क्योंकि उसमें किसी एक या दो व्यक्तियों का फायदा उसमें जुड़ा है। यहाँ किसानों की कंपनी होगी और किसानों का इसमें फायदा होगा। तो वो चर्चा हमें अपने क्लस्टर में जा करके करना होगा। जब हम उस क्लस्टर में चर्चा करते हैं तो बहुत सारे साथी उत्साहित होते हैं, उत्साहित होकर उसको समझना चाहते हैं। तो जो समझ आज यहाँ आपको दी जा रही है उस समझ को आप लोग उनके साथ में साझा करें जा करके, और साझा करने के बाद में फिर उसमें जिनका प्रेरणा हो रही है कि चलो यार मिलके बना लेते हैं, तो उन साथियों को 5, 10, 20, 25 जो साथी हों आसपास इस तरीके का जो संगठन बना हुआ है उस संगठन को उनको दिखा दिया जाए, और उनमें जो साथी काम कर रहे हैं उनके बीच में बैठ करके चर्चा का आदान प्रदान कर लिया जाए कि भाई आपने कैसे शुरू किया है, कैसे आप पहुंचे हैं, आज कहाँ हैं और कल आपको कहाँ पहुंचना है। इस सब चीजों को जब स्पष्ट कर लें उसके बाद में जो और साथी उसमें जुड़ रहे हैं तो उनका अपना शेयर पूंजी जमा करें और उसमें फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। भैया नेक्स्ट करिए, ठीक है। ये चर्चा वही है जो मैंने अभी आपसे किया है कि जो भावी हमारे अंशधारक हो सकते हैं उनको हमें जोड़ना है और उसमें आगे बढ़ना है। भैया नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। ये वही चीजें हैं, जब हम जाएंगे तो हमें अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेना है, व्यवसाय हमारा क्या होगा, कितने बड़े क्षेत्र में जाएंगे, कितने उत्पादक होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, ठीक है। हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे है कि हमें, अगर हमने किसी चीज को पैदा किया है, अगर हमने गेहूं पैदा किया है तो उसको व्यापार में हमें कैसे बढ़ाना है। अब व्यापार में बढ़ाने के लिए जिस समय पैदा हुआ उस समय रेट कम होता है, अगर उसको 2 महीना हम रोक लें और 2 महीने के बाद में उसको बाजार में लेके जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक। दूसरा, उसकी हम, अगर हमें 2 महीने रोकना है तो एक स्टोरेज चाहिए कि भाई कोई स्टोरेज की व्यवस्था ऐसी हो जाए जिसमें रोग बीमारी कीड़े ना लगें। दूसरा, अगर हमें उसमें कोई मूल्य में वृद्धि करना है, गेहूं का आटा बनाना है, दलिया बनाना है ना, उसका रवा बनाना है, तो उस तरीके की मशीनरी की व्यवस्था, तो क्या हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कारोबार हमारा कितना बड़ा होगा, उस चीज में हम लोग पहले से तय कर लें। हमें वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी या हमारा जो शेयर पूंजी इकट्ठा हुई है उसको लगा करके हम आगे बढ़ जाएं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग तय करें, तय करके आगे इसमें बढ़ना है। नेक्स्ट भैया, जब हम इसका पंजीयन कराने जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, उसमें देखेंगे 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। एक डिजिटल हस्ताक्षर, निदेशक पहचान संख्या जिसको DIN बोलते हैं, कंपनी का नाम क्या रखना है हमें उसकी एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल होता है, और ये ऊपर के जो डॉक्यूमेंट है उसको जाकर के हमें जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसके यहाँ पे ऑनलाइन दाखिला दे देना है। प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें तैयार हो रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बड़ी ही आसान से ये चीज हो जाती है। भैया नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि भाई डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, तो कुछ नहीं है, जैसा हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी तरीके से एक हमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मिल जाते हैं जिसको कहीं पे भी हम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, इतनी सी इसमें बात है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसमें साइन करके आप जमा कर देंगे, 1 महीने के अंदर आपका डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। इसकी एक वैधता होती है, आप 1 साल वाला ले लें या 2 साल वाला ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, जो निदेशक पहचान संख्या होती है, कौन लोग डायरेक्टर बनेंगे, इसका जो डेटा है वो मंत्रालय के पास में रहता है, विभाग के पास में रहता है, तो उसका भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा करके और एक पूरा डिटेल उसमें ऑनलाइन सबमिट होता है, एक नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है, तो ये DIN हो गया आपका। जी भैया, फिर कंपनी के नाम का निर्धारण, कंपनी के नाम के निर्धारण में 2-3 चीजों का हम लोग ध्यान रख लें। एक तो ऐसा नाम हम लोग रखें जिससे कि हमारा उद्देश्य दिखाई दे, नाम से लोगों को पता चल जाए कि भैया यार ये तो इस काम के लिए बनाई गई है। अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ना उत्पादक संघ कोई आप रख सकते हैं जिससे मालूम चलेगा कि गन्ना के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, या जैविक खेती के लिए काम कर रहे हैं तो जैविक खेती से जुड़ा हुआ कोई नाम रख लें, या ऐसा नाम रखें जिससे लोगों का उस नाम के ऊपर विश्वास हो और उस नाम से हमारे उद्देश्य उसमें दिख रहे हों, ऐसे हम उस चीज को जोड़ सकते हैं।
फिर जो नाम होगा उस नाम को आपको वहां पे पंजीयन कार्यालय में देना होगा। अगर उस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तब आपको वो नाम अलॉट कर दिया जाएगा। अगर उस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको सूचना दे दी जाएगी कि भाई अब आप दूसरा नाम उसमें भेज दीजिए। तो आप ऐसे दो तीन नाम दोबारा से भेज सकते हैं, फिर आपको एक नाम मिल जाएगा। जब आपको नाम मिल जाता है तो इसके बाद में आपके ऊपर के भी जो दो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार हो जाते हैं, फिर आप इसकी ऑनलाइन फाइलिंग कर देंगे। नेक्स्ट भैया, एक आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है। इसमें क्या है कि हमें अपने कार्यकलापों का ब्यौरा उसमें देना है कि कितने तरीके के काम हम लोग करेंगे, और उसमें जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं जिनको हम डायरेक्टर प्रमोटर बनाएंगे उनका भी इसमें डिटेल पूरा रहता है। नेक्स्ट भैया, ठीक है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें नियम कानून अधिनियम ये सब चीजें इसमें हम लोग अपना बनाते हैं कि भाई कैसे कैसे चीजों को चलाना है, कैसे शेयर होंगे, कैसे वाद विवाद का निपटारा होगा, क्या क्या व्यापार करेंगे, व्यापार में कैसे बंटवारा करेंगे, जो लाभ आएगा उसको कैसे बांटेंगे, है ना, कैसे स्टाफ को रखेंगे, इन सब चीजों को उसमें डाल दिया जाता है। तो ऐसे हमारा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाता है। भैया नेक्स्ट कर दीजिए, इन जो भी ये दस्तावेज जब बन जाते हैं तो इसको फिर हम लोगों को ऑनलाइन इसमें जमा कर देना है। अलग अलग फॉर्म है जिसका एक डिटेल रहता है। नेक्स्ट भैया, ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को एक क्या है कि एक सर्टिफिकेट वहां से मिल जाता है कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, और एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। जिस दिन से सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है उस दिन से हम एक अलग पहचान के रूप में कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी है वो एक व्यक्ति के रूप में हैंडल होने लगती है। भाई जैसे हमारे हाथ पैर नाक एक अलग से पहचान है, उसी तरीके से जब कंपनी का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी भी एक व्यक्ति के रूप में काम होने लगती है। कंपनी अपने नाम से व्यापार करती है, किसी के साथ में एग्रीमेंट करना है तो कंपनी अपने नाम से करती है। यहाँ किसी डायरेक्टर या प्रमोटर के नाम से नहीं होता है, कंपनी के नाम से होता है। कहीं कोई विवाद होता है तो लोग कंपनी के ऊपर केस दायर कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर कंपनी के नाम से केस दायर कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में अनुबंध के द्वारा हम लोगों का जुड़ाव होता है उसमें, है ना। तो ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट कर दीजिए भैया, हाँ, दूसरा और था कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, संपत्ति रख सकती है, लोन ले सकती है, ये सब चीजें इसमें है, ठीक है। अब इसके बाद ये भाई बात आती है कि भाई कंपनी तो बन गई है, इसका संचालन कैसे होगा, संचालन इसका कौन करेगा। तो संचालन करने के लिए जैसा बात हुआ था कि जो एक तो जो सदस्य अपने हैं, ठीक है, शेयर धारक जो हैं जिनको मिलाकर के एक आपका आम सभा जो बन रही है वो इसके संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। वो बैठेंगे, तय करेंगे कि भैया किसको डायरेक्टर किसको प्रमोटर की जिम्मेदारी दी गई, कौन क्या क्या काम करेंगे, वहां से चीजें तय होना शुरू हो जाती हैं। तो शेयर धारक हो गए, आपका निदेशक मंडल हो गया जिसका चुनाव आपके शेयर धारक जो सदस्य हैं वो करते हैं। इसके बाद में आपके पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे हर एक कंपनी में पदाधिकारी होते हैं, वैसे ही आपकी कंपनी में भी पदाधिकारी रहेंगे, और उन पदाधिकारियों में आपके एक जैसे CEO होते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे बोलते हैं, अकाउंटेंट आप रखेंगे क्योंकि पैसे का लेन देन है, स्टोर कीपर आप रखेंगे, और जैसे समय की जरूरत होगी उस हिसाब से आप अपनी कंपनी में कर्मचारियों को नियुक्त करते जाएंगे, ठीक। तो आपकी कंपनी का जो संचालन है उनकी जिम्मेदारी इस तरीके से बटी होगी। इस कंपनी में काम को बढ़ाने के लिए व्यापकता की दृष्टि से आप लोग उसकी समितियां भी बना सकते हैं, और जिम्मेदारी भी अलग अलग प्रमोटर और अलग अलग डायरेक्टर को लेकर के अलग अलग विभाग भी आप कंपनी के अंतर्गत अपने गठित कर सकते हैं, जिससे कि काम को और आसानी से और काफी गति दे करके आगे बढ़ाया जा सके। जी भैया नेक्स्ट, ठीक है। कंपनी के जैसे बात ऊपर आई थी कि भाई जो सदस्य हैं उनके क्या अधिकार होंगे, तो वही अधिकार है उनके कि डायरेक्टर प्रमोटर का नियुक्ति करना, ठीक है, उद्देश्यों को बीच बीच में जाके रिफाइन करना कि भाई गति सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, नए कामों को जोड़ना, है ना, ऑडिट कराना, ऑडिट को पास कराना, बजट पास कराना, ठीक है, बिजनेस प्लान बनाना, है ना। तो ये सब चीजें जो है कंपनी के जो सदस्य हैं वो इस तरीके से जिम्मेदारियों का आवंटन करते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं वो समय समय पे जब इनकी मीटिंग कॉल होती है उसमें इसका निर्धारण करते रहते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट कर दीजिए, हो गया ठीक है। जो सदस्य हैं उनके पास में अधिकार भी हैं, कहीं ये नहीं है कि हमने एक बार शेयर ले लिया तो हम कंपनी से बंद जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई हमें उस कंपनी से फायदा नहीं है तो आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी शेयर आप अपने बेच सकते हैं और दूसरे जो लोग हैं वो शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा, बीच बीच में हम अपने शेयर बेचेंगे भी कंपनी के, और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कंपनी की बैठक बुलाने का काम जो सदस्य हैं उनका है ना। बैठक में जो भी प्रस्ताव पारित होना है उनका जिम्मेदारी सदस्यों का है। कंपनी में जो लाभांश है उसके वितरण के लिए सदस्य निर्णय लेते हैं। किसी की कोई देनदारियां हैं, लेनदारियां हैं, उनको सदस्य निर्धारण करते हैं। क्या बिजनेस करना है उसका निर्धारण सदस्य करते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी के सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी और उनके पास अधिकार काफी रहते हैं इसमें। भैया नेक्स्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद में जब आपका कंपनी का गठन हो जाता है तो गठन के बाद में आप देखेंगे कि आप अपना एक मीटिंग पहले कर लेंगे 90 दिन के अंतर। इसमें विशेष ध्यान देना होता है बैंक का खाता, उसका संचालन, क्योंकि लेन देन कंपनी के नाम से होगा तो उसको आपको अतिरिक्त करना है। पैन कार्ड और आपका जो GST है उसमें आपका पंजीयन आपको कराना होगा। आपका कार्यालय होगा, आप लेख होंगे और ऑडिट होगा, और इस हिसाब से जो आप काम करेंगे तो साल में आपको एक बार ROC में आपको अपनी जो भी कंप्लेंस हैं उनको भेजना होगा, है ना। तो इस तरह से आपकी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम देखते हैं कि भाई कंपनी को काम क्या क्या करना है, कैसे काम को बढ़ाना है, उस दिशा में जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग देखोगे कि जो भी हमने अपना बिजनेस प्लान बनाया हुआ है उस बिजनेस प्लान के अनुसार काम को हमें गति देना है। उस बिजनेस प्लान को हम महीने, साल, दिन इस तरीके से बांट दें, और उसमें काम हो गए, जिसका हम उदाहरण 2-3 आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि आलू का पैदा करना, जैसे आलू हो रहा है तो आलू को पैदा कैसे करना है, जैसे हर एक किसान पैदा कर रहा है या कुछ अलग तरीके से पैदा करना है, ठीक है। ये हमें अपने उसमें तय करना होगा। आलू का कौन सी प्रजाति का बहुत बढ़िया मार्केट है, किसका बहुत बढ़िया उत्पादन है ना, तो उसको लेकर के हम लोग अपना प्लानिंग कर लें। प्लानिंग के बाद में फिर आप देखेंगे कि भाई जो आलू हमने पैदा किया है, ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर हमने जैविक आलू पैदा किया है तो जैविक आलू का एक रेट निर्धारित कर लें हम लोग कि भाई हमें इस रेट में बेचना है। अगर इससे कम रेट में जाएगा तो उसके हम बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन हम अपना सस्ता आलू नहीं बेचेंगे। अगर किसान की मजबूरी है कि उसको बेचना है तो कंपनी उसको मदद करेगी, कंपनी उसमें पैसा लेकर के उसकी परचेजिंग करेगी और आगे उसका मूल्य में वृद्धि करेगी, ठीक है। अब आलू का रेट जैसे सस्ता हुआ, जैसे हम लोगों ने किया, हम लोग यहाँ पे जैविक आलू पैदा किया और उसका एक मूल्य निर्धारित किया कि 12 रुपये से नीचे आलू नहीं बेचेंगे। जब तक 12 रुपये आलू किलो बिका तो 12 रुपये बेचा। जब आलू का रेट कम हो गया, 4 रुपये, 3 रुपये हो गया तो बोला अब नहीं बेचेंगे, उसका चिप्स बनाना शुरू किया, ठीक है। और उस चिप्स में भी जब उसका मूल्य जोड़ा गया तो 12 रुपये किलो आलू के हिसाब से, किसान की मेहनत के हिसाब से, कंपनी के खर्चे के हिसाब से, ये सब चीज़ें जोड़ करके और एक उस चिप्स का एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि भैया ये तो 220 रुपये किलो पड़ेगा, इससे नीचे नहीं बेचना है, ठीक है। और बीच में अभी फिर आलू का रेट बढ़ गया तो चिप्स बनना बंद, आलू फिर बेचना शुरू, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी योजना बना करके काम को करना है, ठीक है। अब कंपनी में जो लोग बैठे हैं, कंपनी जो बनाई है, उसमें हमें ये देखना है कि भाई आलू को क्या स्टोर करके रखना है, तो क्या हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोर क्या बनाना है, या आलू चिप्स के लिए कोई मशीन लगाने की ज़रूरत है ना, या आलू का जो पाउडर बनता है वो पाउडर बनाने की क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग अपनी योजना बनाएं और उस योजना में देखें कि क्या हमारे पास इतनी पूंजी है। एक, अगर पूंजी नहीं है तो क्या इसके लिए लोन की व्यवस्था कहाँ है, उस लोन में सरकारी मदद की ज़रूरत क्या है, कहाँ है, उस चीज़ को हम खोजना शुरू करें और खोज करके उस चीज़ को आप लेके आएं। और ये साथियों निश्चित है कि जब हम एक संगठन के रूप में कहीं पे भी बात करते हैं तो आपको उसको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे एक विश्वास कायम होता है आपका, है ना। तो इसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कर दीजिए भैया, ठीक है। इसी तरीके से उस
कंपनी के लाभ की बात की थी कि भाई कंपनी में तमाम तरीके के लाभ हैं जो मैंने बात किया था, इसी हिसाब से मैं कुछ और चीज़ों का भी एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे गेहूं का हमने शुरू में लिया था, धान का, ऐसे यहाँ पे हम लोग धान करते हैं, एक वेराइटी है रामभोग, ठीक है। लोग नहीं लगाते हैं कि पैदावार कम होती है, लेकिन खाने में बहुत बढ़िया रहे, हर कोई खाना चाहता है। तो ऑर्गेनिक तरीके से रामभोग का प्रोडक्शन यहाँ करवाया, पिछले साल 600 क्विंटल हुआ, ठीक है। और मैं यहाँ बता दूं कि आप जैसे यहाँ पे 1200 किसान हैं जो जैविक विधि से बिना किसी रसायन के हम लोगों के साथ में जुड़ करके खेती कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, उसमें और भी किसान जुड़े हुए हैं जो खेती कर रहे हैं, ठीक है। बैठ के निर्धारण हुआ कि भाई इसका रेट क्या रखना है, तो ये तय हुआ कि भाई 40 रुपये से नीचे हम धान नहीं बेचेंगे, ठीक है। इसका जो मिनिमम प्रोडक्शन हुआ एक बीघे में, यहाँ 200 बिस्वा का एक बीघा है, मिनिमम जो प्रोडक्शन हुआ वो 6 क्विंटल बीघा हुआ, मैक्सिमम 8-8.5 हुआ, ठीक है। हाइब्रिड जहां 10 से 12 क्विंटल होता था, वहां पे देसी जो धान है वो 6-8 के बीच में हुआ। जब इसका 40 रुपये का रेट कोट किया गया तो आप देख लीजिए कि कम से कम 24,000 रुपया और मैक्सिमम 32,000 रुपये एक बीघा का किसान को मिला, लागत तो उसकी मिनिमम हो गई, क्योंकि उसको कोई भी चीज बाजार से ला के उसमें नहीं डालना थी। वहीं जिन लोगों ने हाइब्रिड किया उनका 12 क्विंटल निकला, और हाइब्रिड का रेट आप सब लोगों को पता है 1100-1200 रुपये से ज्यादा का रेट नहीं मिलता है, तो उसको 11-12 हजार रुपये मिला, ठीक है। दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि जब धान देसी धान होता है तो उसका जो पुआल होता है उसको जानवर बहुत अच्छे से खाते हैं, तो उनका जो जानवर का चारा की व्यवस्था थी वो भी पूरी हो गई। दूसरा, किसान का जो रिस्क का जो फैक्टर था कि भाई हम रिस्क नहीं ले सकते कि कौन खरीदेगा, उसको कंपनी ने उठाया। 40 रुपये का जब रेट निर्धारित किया तो उनके पास जब व्यापारी पहुंचा तो उन्होंने कहा भैया 50 से नीचे नहीं है या 45 से नीचे नहीं है, क्योंकि 40 का रेट तो पता ही था कि तो कंपनी में जाना ही जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से साथी को 200 क्विंटल जो धान थी वो 50 रुपये के रेट से उनका लोग बाग उठा के ले गए। 400 क्विंटल जो धान बची उसको कंपनी ने परचेज किया, भाई कंपनी में तो वही लोग हैं जो शेयर होल्डर हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भैया जो अपना शेयर का पूंजी है उसको हम लोग लगा लेते हैं इसमें। उन्होंने लगाया, उस धान को इकट्ठा किया, उसका चावल बनवा दिया, ठीक है। और उस चावल की, चावल जब बना तो उसमें भी कीमत उसकी 40 रुपये रखी गई, और उस चावल को बाजार में 100 रुपये के हिसाब से बेचा। बेचने के लिए रखा कि भाई अपने साथियों में जो मदद करेगा उस बिक्री में 10% उसका मेहनताना रहेगा। 15 दिन के अंदर पूरी धान का जो चावल था वो बिक गया 100 रुपये के हिसाब से, मुश्किल से 1-2 क्विंटल बचा होगा। वो इसलिए बचा है कि कई साथी जो आते हैं कि रामभोग के नाम पे मन होता है कि कुछ चावल खा लें, तो वैसे साथियों के लिए रखा है। तो आप देखिए कि जब उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से बेचा तो वो पैसा भी कंपनी में वापस आया, तो जिन लोगों का शेयर लगा तो उनकी पूंजी बढ़ी उसमें, ठीक है। तो यहां बताने का सिर्फ यहाँ पे मकसद यही था कि कैसे एक संगठन रूप में उस चीज को आगे बढ़ाया। और अगर वैसे अगर बात किया जाता कि भैया किसी के पास 50 किलो रामभोग है और जब वो बाजार जाता तो उसको बोला जाता 50 किलो का कोई खरीदार ही नहीं है, तो वो कहता यार या तो जानवर को पिसा के खिला दो, या जो खरीदने वाला है वो बोलता कि भैया 2000 से नीचे का दाम नहीं देंगे, तो वो कहता यार 2000 भी दो, चलो कम से कम इससे टंटा तो कटेगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मकसद यह है कि उस व्यवस्था में हम लोग मदद कर सकते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार हम लोग खड़े हो सकते हैं, इसमें किसान का स्वावलंबन है। अब आप देखिए कि जब उसका देसी बीज है रामभोग का, उसको बार बार बाजार में बीज लेने नहीं जाना है, ठीक है। जब उसने खा लिया, व्यापार करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको बता दें कम से कम 4-5 क्विंटल बीज अभी बिक गया है उसका रामभोग का, किसानों के बीच में ये उत्साह है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि आप मुझे अपना इसका मेंबरशिप दे दीजिएगा। तो ये छोटे छोटे से उदाहरण है। अभी गेहूं का आया, गेहूं में बंसी लगाया है, आप लोगों में से साथी जानते होंगे बंसी का, 80 क्विंटल बंसी का गेहूं इस एरिया में बोया गया है बीज। अब आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि उस 80 क्विंटल से कितना दाना निकलेगा। उससे हम उस व्यापार के बड़े होने की कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापार इससे होने वाला है। उस गेहूं का जो कीमत रखा गया है 25 रुपया रखा गया है कि 25 से नीचे नहीं बेचना है। अगर उसका दाना मंडी में अगर चला जाएगा तो उसके दाने को देख करके साथ ही वो अभी 25 रुपये लोग दाम देने के लिए बैठे हुए हैं कि हमको दे दीजिए,
इतना मजबूत दाना आया है क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का कोई जहर नहीं डाला गया। ये उसकी खूबसूरती है जिसके दम पे उसको बाजार में एक पहचान मिली। इसके बाद में ये तय हुआ है कि हम अभी दाना सीधा नहीं बेचेंगे, ये तय हो गया कंपनी में। बोले क्या बेचेंगे? बोले आटा बना के पहले बेचेंगे, ठीक है। बोले दलिया बनाएंगे, बोले दो चीजें बना के बेचेंगे और तीसरा बेचेंगे एक मल्टीग्रेन आटा करके, यानी उसमें चना बेजर और गेहूं मिला करके बेचने का बात है। बोले जब तक ये बिकेगा उसको बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद में उसका दाना बेचेंगे, जब लगता है कि आटा नहीं बिक रहा है तब दाने पे जाएंगे। तो देखिए आटा भी बेचेंगे, दाना बेचेंगे, इसका बीज बेचेंगे, किसान कहीं कोई घाटे में नहीं रहेगा। तो संगठन का साथियों ये महत्व होता है। टमाटर का एक मैं उदाहरण दूं, अभी टमाटर था, टमाटर का रेट कम हो गया, आप सब लोगों को पता है, और टमाटर का एक रेट निर्धारित का किया गया था कि 10 रुपए से नीचे ये टमाटर नहीं बेचना है। जब टमाटर का रेट निर्धारित हुआ तो क्या कर सकते? तो इसके लिए साथियों सबने ये तय किया कि उसका हम लोग प्यूरी बनाएंगे, यानी सॉस का जो भाई जो रॉ मटेरियल होता है उसके बनाने की बात आई कि भाई सॉस बनाएंगे। जिन जिन गाँव में ये प्रक्रिया हुई वो सॉस वहीं का वहीं बिक गया, बाजार में आने का उसको समय नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे गांव में भी तो खाने वाले हैं, हम बाजार की तरफ क्यों देखेंगे? हम ये देखें ना कि बाजार से कितनी चीजें आ रही हैं जो हमारे गांव में आ रही, ठीक है। तो हम अपनी योजना बनाने में, अपना व्यापार खड़ा करने में इन चीजों का मदद ले सकते हैं। ये सफलता की कहानी है, लोग सफल हो रहे हैं जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये चर्चा है, एक जो मैंने बात बोला है ना उसका एक छोटा सा 2.5 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। तो वो वीडियो मेरी बात को कहीं ना कहीं जोड़ेगा, ठीक है। तो जितना मैंने कहा वो उसकी ऑथेंटिक आपके प्रति हो जाएगा। दूसरा, यहाँ शिवराजपुर यहाँ से दूर नहीं है, जब आप जाएंगे तो रस्ते में पड़ेगा, आप लोग आमंत्रित हैं कभी भी आकर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये चीजें। शिवराजपुर यहाँ से लगा हुआ है और जब आप बुलंदशहर के लिए जाते हैं अगर इस रास्ते से आप जाएंगे तो वो आपको रास्ते में पड़ेगा। मैं नंबर भी दूंगा भैया, लास्ट स्लाइड खोल दीजिएगा, लास्ट स्लाइड में मेरा नंबर है, आप करते जाइए। ये कुछ फॉर्म जिनकी मैंने चर्चा की थी वो सब चीजें इसमें पिक्चर में है, बढ़ाते जाइए भैया। नेक्स्ट, ये कुछ काम जो वो लोग साथी कर रहे हैं उनका है, बढ़ाइए बढ़ाइए। ये कुछ काम के फोटोग्राफ हैं, नेक्स्ट करिए, ठीक है। जो यंत्र की बात कर रहे हैं, जैसे बात करते हैं ना खेती में स्वावलंबन होना चाहिए, अगर हम ट्रैक्टर खरीद लेंगे हमारे पास में 1 एकड़ जमीन है तो आप समझ जाइए फायदे में रहेंगे कि घाटे में रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमें खेती में स्वावलंबी होना है तो ये सब चीजें अपने पास में होना चाहिए। व्यवसाय वही सबसे सफल होगा जो हम किसी के ऊपर परतंत्र नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट करिए, ये मेरा नंबर है, पता लिखा हुआ है इसमें, यहाँ मैं एक संस्था की तरफ से आया हुआ हूँ। मोबाइल नंबर 9695731370। वीडियो के पहले एक स्लाइड है जिसमें एक किस योजना का लाभ ले सकते हैं वो इसमें है। थोड़ा बैक बैक होइए, आप बैक होते जाइए, हाँ और होइए, और हो जाइए, होते जाइए, बस 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 बस, हाँ हाँ बस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो चीजें आपको बता दूंगा कि भाई इससे फायदा और क्या है। ये तो कुछ आपके हाथ में फायदे हैं उसका मैंने रखा था, कुछ और इसमें फायदा है। एक SFAC है, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ है, ये पूरा इसमें मदद कर रहा है, ठीक है। इसका जो डिटेल है इनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे, इसमें एक बहुत बढ़िया है कि आपका जितना पूंजी जमा हो जाए उसके बराबर का पूंजी ये आपको दे देंगे, वो 10 लाख से ज्यादा की नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक आपके पास में सुनहरा अवसर है कि जब आप कंपनी बनाए अगर आपके पास में 10 लाख रुपये हो गया तो 10 लाख रुपये की मैचिंग ग्रांट, ये सीधा सीधा अनुदान है SFAC से, ये आप लोग ले सकते हैं। 5 लाख हो गया तो फर्स्ट आप 5 लाख के लिए भी आप उनके यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो वहाँ से आपको एक मिल जाएगा, बढ़िया आपके लिए ये है।
इनकी आप वेबसाइट पे जाके इनका पूरा डिटेल देख लेंगे और SFSC ग्रांट और आपका जो FPO है उसके बारे में पूरा डिटेल भरा पड़ा है, आप उसमें लाभ के लिए बढ़ सकते हैं। दूसरा नाबार्ड का है, ये आपका पंजीयन से लेकर के और आगे आगे ट्रेनिंग वगैरह में काफ़ी मदद करती है, तो आप इनकी भी बहुत सारी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हो। इनकी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं, उसमें इस संगठन को प्राथमिकता दी जा रही है, इसमें अनुदान और लोन दोनों चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, वीडियो आप लगा दें और मेरा नंबर 24 घंटे चालू रहता है, किसी भी समय आप बात करें, खेती के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड खेती का है, नेचर विधि से खेती कर रहा हूँ। खेती में लागत बिल्कुल जीरो पॉइंट से आ रही है और हमें अच्छी प्रॉफिट हो रही है। हमारी जमीन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, जो कि जब ये जीवामृत डालो तो इसमें मतलब फुलाई आती है, इसमें जगह कुछ मिट्टी वो फूल ऐसी जाती है, तो इस वजह से मतलब अब आगे की फसल ज्यादा हमको मिलेगी। करीब 15-16 तरह की सब्जी और फल ये सब अपने खेत में ही तैयार करते हैं। चार बिसुआ खेती में हमने चारों तरफ पपीता लगा रखा है और लगभग 90,000-1,00,000 के आसपास पपीता का काम हो जाता है। उसमें भी घनामृत और जीवामृत का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी तो लागत में एक तो उपज कम और दूसरा हम जहर युक्त जो खा रहे थे अब वो जहर मुक्त हम हो गए, उससे बिल्कुल अपने लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए व अपने बच्चों के लिए भी। प्रोड्यूसर कंपनी में धीरे धीरे 40-42 समूह जुड़ चुके, उसी पूंजी से हमारा आगे के लिए काम बढ़ रहा है। हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2016 में हुआ था और पिछले वर्ष हम लोगों ने 2,75,550 रुपये भारत सरकार को इनकम टैक्स जो है अदा किया।